इस नन्ही बच्ची से आखिर किसे दुश्मनी हो सकती है? इस मासूम ने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा होगा? ढाई साल की ट्विंकल से किसी को क्या रंजिश रही होगी जो उसे ऐसी मौत दे दी कि सुनकर ही कलेजा कांप जाए। यूपी के अलीगढ़ के टप्पल कस्बे के कानून गोयान मोहल्ले में जब ट्विंकल की हंसी गूंजती थी तो घर वालों का हर दुख दूर हो जाता था, लेकिन अब जब ट्विंकल को दो दरिंदों ने दुनिया से दूर कर दिया तो दर्द का समंदर ही उमड़ पड़ा। ट्विंकल में बैठी थी वो सालों को ट्विंकल ट्विंकल दिखाई देती है, जब वो आती थी बहुत प्यारी लगती थी, उसकी आवाज से वहां सारा घर गूंजता था। इंसान के भेष में हैवान जैसा दिल रखने वाले इन्हीं दोनों दरिंदों पर मासूम ट्विंकल शर्मा की हत्या का आरोप लगा है। इनमें से एक है 23 साल का जाहिद और दूसरा 43 साल का असलम। जाहिद ने ट्विंकल के दादा से 50,000 का कर्ज लिया था, लेकिन 10,000 चुकाया नहीं था। पैसा मांगने पर विवाद हुआ और फिर बदले की आग में जल रहे जाहिद ने साथी असलम के साथ मिलकर ट्विंकल की जान ले ली। 50,000 रुपए देवे में फिर उसने धीरे धीरे करके उसने 10,000 रुपए रह गए। उसने मुझको चैलेंज दिया तो मुझको गे नहीं थी इतेक चैलेंज पर इतेक मुझको मिल सकता है। 10,000 की रकम इतनी महंगी निकली कि 2.5 साल की मासूम बच्ची की जान सस्ती हो गई। ट्विंकल के पिता बनवारी लाल शर्मा हैरान हैं कि आखिर थोड़े से पैसे के लिए कोई किसी मासूम को ऐसी सजा कैसे दे सकता है। जब बॉडी उसके घर के जस्ट सामने मिली है, जब एक संग अचानक ही हमारे पिताजी का शक उस पर गया था, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले मुहवद्दा हो गया था उनका पिताजी का। जाहिद ने बनवारी के परिवार को सबक सिखाने की ठान ली थी और इसके लिए उसने असलम को भी अपने साथ ले लिया और टारगेट किया मासूम ट्विंकल को। वो 30 मई की सुबह थी, करीब 8 बजे थे। मासूम ट्विंकल घर के बाहर खेल रही थी। खेलते खेलते ट्विंकल जाहिद के घर के पास चली गई तो बिस्किट का लालच देकर उसने उसे अपने पास बुला लिया। इसके बाद जाहिद ने बच्ची को पकड़ लिया और असलम ने दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद बच्ची का शव जाहिद ने असलम के घर में भूसे के ढेर में छिपा दिया। 2 दिनों में जब शव से बदबू आने लगी तो तब 1 जून की रात भूसे के ढेर से शव निकालकर कूड़े के ढेर में छिपा दिया गया। कूड़े का ये ढेर जाहिद के घर के पास ही था जहां बेहद बुरी हालत में 2 जून को मासूम बच्ची ट्विंकल का शव मिला। बच्ची के शव को कुत्ते नोच रहे थे, छत विछत हो गया था शव। जिसने भी ये दृश्य देखा उसकी आत्मा कलप गई। तीन कुत्ते थे उस बॉडी को नोच रहे थे, उसको वहाँ से खींच रहे थे अपने मुंह से। जब देखा माया ने तो वहाँ पर शोर मचा दिया कि ये किसका बच्चा है। उसके बाद में जो परिवार के लोग हैं, सब आसपास के लोग सब इकट्ठा हो गए। उसके बाद में उस बच्ची की डेड बॉडी वहाँ से बरामद होती है। मेरे सिर पर हेल रखी थी, हेल रखने के बाद कुत्ता खचेर रहे थे लड़की को खचेर रहे थे तो मेरी निगाह पर गई। निगाह पर के मैंने हल्ला मचा दिया, अरे कौन को बालक है। जब ट्विंकल का शव कूड़े में पड़े होने का पता चला तो घर वाले दौड़े। मासूम के शव का ये हाल देखकर घर वाले गश खाकर गिर पड़े। आस पड़ोस वाले भी अवाक रह गए कि आखिर मासूम का ये हाल किसने किया होगा। इतनी बुरी दशा करी जब बॉडी हमारे को मिली उसकी कि उसको देखा नहीं जा रहा था, ऐसे तो पड़ा हुआ था उस पर ऐसा लग रहा था और ऐसे एक हाथ कटा हुआ था। यानी बुरी दुर्घटना थी जो कि कोई देख ही नहीं सक रहा था, बहुत ज़्यादा बदबू थी उसमें।